मंत्री जी, पलटू राम जी, शैलू भाई, शुक्ला जी और यहां उपस्थित सभी आप सब महानुभाव, हम लोग आज कई समय से चल रहे ये भारत के आजादी के 75 साल का जो आज समापन समारोह है, आज उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो मुख्य रूप से क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, तो केवल दो बातों से अपनी बात हम अपना रखना चाहेंगे कि 75 साल में तो हमको आजादी मिली, लेकिन 75 साल पहले 47 में जो हम लोगों ने भारत जो आज हम देखते हैं पॉलिटिकल भारत, इसकी नींव 1857 में जो है रखी गई थी। 1857 से पहले जो आज हम भारत जानते हैं ऐसा कोई स्वरूप नहीं था, केवल एक काल्पनिक था, क्योंकि भारत समुदाय, राज्य और ये सब चीजों में बटा हुआ था। 57 संग्राम ने आज के भारत की एक रूपरेखा बनाई। और अगर देखा जाए इतिहास में तो हमारा तो मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम न केवल 57 में हुई थी, लेकिन पहली स्वतंत्रता संग्राम अलकेंद्र जब आया था उस जमाने में हमारे भारत के जितने चंद्रगुप्त का जमाना था उससे पहले वो लोग सब उसके लिए लड़े। ऐसे करते करते अलग अलग युग में जब जब भी मुसीबतें आई भारत के ऊपर तो सारे फोर्सेस सब एकत्रित होकर के उसमें लड़े। और फिर 15 अगस्त 1947 में ये जो तिरंगा आज आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने अपने आप अपने देश में इस चीज को फहराया। बहुत लोग शायद उस जमाने में जो थे वो शायद उपस्थित हो यहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 1952 में हुई। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि आज इस स्थान में जहाँ पे आज ये हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम, ये वही स्थान है परेड ग्राउंड जहाँ पे हमारे बाबा महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह ने रियासत बलरामपुर को भारत के साथ विलय किया और पहली मर्तबा बलरामपुर की धरती पे भारत का तिरंगा उसको जो है उन्होंने सलाम किया, इसी परेड ग्राउंड में था। राष्ट्र निर्माण देखिए बहुत छोटी चीज नहीं है, और हमारा मानना है कि भविष्य को याद रखते हुए हम लोगों को, भूतकाल को याद रखते हुए हम लोगों को भविष्य को जो है लिखना चाहिए। हम लोग एक आम आदमी आज क्या कर सकते हैं देश के लिए, हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब जब इलेक्शन आए तो सब लोग अपने घर के सुख सुविधा से निकल करके 2 घंटा अगर उनको इंतजार करना पड़े तो जाकर के वोट अपना दें। और भारत सरकार को भी हम इस मंच के माध्यम से आज जो कार्यक्रम है हमारा अपील है कि जब हम आज बैंकिंग वगैरह मोबाइल के जरिए से हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं मोबाइल और के साथ, क्योंकि अधिकांश लोग वोट करने के लिए निकलते नहीं है क्योंकि धूप होता है, ठंडी होता है, ये है वो है, तमाम एक्सक्यूजेस सबके पास होता है, लेकिन फिर मतलब घर बैठे बैठे इनको कोसना उनको कोसना ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोगों के पास ये संसाधन है आज के युग में कि मोबाइल के जरिए या कोई इस तरीके का ऐप बने कि डायरेक्ट वोट हम उसको कास्ट करें और एक सशक्त भारत को जो है बनाए हम लोग। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में आए लेकिन धूप काफी विकट है उस इसलिए अब हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं। आप लोग जो भी संयोग जक हैं इसके आज के इस प्रोग्राम के, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।